कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, एसएसटी या टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, एसएसटी या टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, एसएसटी या टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी या टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी। ऐसे ही साइंस और उसकी स्पेसिफिक साइंस, लाइफ साइंस और साइंस और फिजिकल साइंस, इनमें से कौन सा बेटर है हमारे लिए। इसको बेटर देखने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बीएड करने का, आपका पर्पस क्या, गवर्नमेंट जॉब लेना है। अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर 1000 एसएसटी की पोस्ट निकलती है तो इकोनॉमिक्स की हार्डली 30, 40 या 20 के करीब पोस्ट निकलती है। हिस्ट्री की भी ऐसे 20-30 के करीब, ओके 40 के करीब। तो ये आप देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए किस एरिया में ज्यादा है। सो पहला डिसीजन आपका हो गया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो आपका जो एसएसटी इज बेटर, क्योंकि उसकी पोस्ट ज्यादा निकलती हैं, ज्यादा बाहर निकलती हैं। और एसएसटी आपने की हुई है तो आप टीजीटी के लिए 6th से लेके 10th तक टीच करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स लेते हो, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री लेते हो, पॉलिटिकल साइंस लेते हो, ज्योग्राफी लेते हो, तो आप सिर्फ पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, जिन्होंने सिर्फ 10+1 और 2 को टीच करना होता है, पीजीटी वो होते हैं। तो वो स्कूल 10th या 6th लेके 10th तक टीच करने के लिए एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी लिया है। जब भी पोस्ट निकलेगी फिर आपको ये कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा। और तीसरी बात कि टीईटी हर हालत में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें डायरेक्शन दी गई है कि टीईटी एनटीटी से लेकर प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन से लेके या टीचर से लेके 10+2 तक के टीचर्स के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करेगी। सो किसी भी लेवल पर आपने स्कूल टीचर लगना है, आपको टीईटी पास करना पड़ना है। पहले अब तक जो कंडीशन है वो अगर आपने स्कूल लेक्चरर या पीजीटी लगना है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के, तो आपको टीईटी क्लियर नहीं करना पड़ता। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट अक्सर कोई ये वेरी करता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, वो अलग से उसका प्री जॉब टेस्ट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम रख देती है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है, उसकी मेरिट के बेस पर आपको जॉब मिलती है। तीसरी बात कि आपने डिसीजन ये लेना है कि एसएसटी लेनी है या इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई। तीसरा फैक्टर क्या है, यूनिवर्सिटी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट कंडक्ट की, ये काउंसलिंग कंडक्ट की जा रही है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का रूल डिफरेंट है। वो क्या है कि कम से कम अगर आपने 2 सोशल साइंसेज ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस 2 सोशल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 2, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, जहां इसके अलावा एनसीटी ने 14-15 और सोशल साइंसेज दी है, जैसे फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, रिलीजन है, उनमें से कोई 2 सोशल साइंस पढ़ी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आपने एडमिशन लेनी है, तो ये 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, तब आपको एसएसटी, टीचिंग ऑफ एसएसटी का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। दूसरी तरफ पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने ये रूल कर दिया है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने इस साल से किया है 2021 से, कि अगर आपने 1 सब्जेक्ट सोशल साइंस का पढ़ा है तो आप एसएसटी भी ले सकते हो, और वो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल एज ए मेजर सब्जेक्ट, उसको ले सकते हो। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास 1 सोशल साइंस आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है,
तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप एसएसटी भी ले सकते हो। अब ये डिसीजन आपने खुद लेना है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर यू वांट टू ज्वाइन एज इन गवर्नमेंट जॉब और वांट टू टीच 10+2 और वांट टू टीच अप टू 10th क्लास। ऐसे ही आप इनको कंपेयर कर सकते हो, साइंस जनरल है 10th तक है, लाइफ साइंस 10+1-2 के लिए है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको लाइफ साइंस मिल सकती है, और अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपको फिजिकल साइंस मिलेगी। हाँ, जितना रिजिड रूल इसके लिए है, साइंस के लिए नहीं है। स्टेट वाइज ये डिफरेंस हैं, कई बार कई स्टेट्स अलाउ करती हैं कि लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस वाले को साइंस जैसे ये 10th तक टीच करने के लिए टीजीटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी दे देती है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि गवर्नमेंट क्राइटेरिया जब जॉब निकालती है तब थोड़े बहुत चेंज कर देती है, लेकिन सबसे सिक्योर जो अगर आपने जनरल ये पढ़ा है, नंबर ऑफ जॉब्स ज्यादा होंगी और स्कूल टीचर आप 10th के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसे ही साइंस में है, ये यूनिवर्सल रूल है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो बीएड एडमिशन को लेके, कोई और आपके इंक्वायरी हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।